19 क्वेश्चन किए थे, आज हमारा 20th क्वेश्चन कह रहा है। मेरे एक स्टेटमेंट है बहुत बड़ी, तो चलो इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख लो, बुक सभी के पास है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। वैसे एक बार स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ आपको, उसमें कहा गया कि 3 शॉपकीपर्स एबीसी गो टू स्टोर टू बाय स्टेशनरी। 3 शॉपकीपर है जो स्टेशनरी की दुकान पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ए ने परचेज किया 12 दर्जन नोटबुक, 5 दर्जन पेन, 6 दर्जन पेंसिल। बी परचेज कर रहा है 10 दर्जन नोटबुक, 6 दर्जन पेन, 7 दर्जन पेंसिल। सी परचेज कर रहा है 11 दर्जन नोटबुक, 13 दर्जन पेन, 8 दर्जन पेंसिल। और ए नोटबुक कॉस्ट 40 पैसे, ए पेन रुपीज 125 एंड पेंसिल कॉस्ट 35 पैसा। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल। तो मैंने क्या किया, देखो डी एफ जो है ना वो मैं रिप्रेजेंट कर नोटबुक पेन एंड पेंसिल को, और परचेज मैट्रिक्स जो मेरी बन गई वो क्या बनी, देखो ए बी ई और एफ। अब एक बात देखो बेटा, इसमें ये बोला गया आपको कि 3 शॉपकीपर सामान परचेज कर रहे हैं, तो उसने क्या परचेज किया, 12 दर्जन तो नोटबुक की है, ठीक है, मतलब 12 इंटू 12, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए बेटा, ये मैं भी थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, ध्यान से देखना। ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व डी ई और एफ, 12 दर्जन नोटबुक बेटा परचेज किया उसने, ठीक है, और 5 दर्जन पेन, 12 इंटू 5, ठीक है, और 5 दर्जन पेन बेटा। सिमिलरली शॉपकीपर बी ने परचेज किया बेटा 10 दर्जन नोटबुक, 10 दर्जन नोटबुक, 6 दर्जन पेन और 7 दर्जन पेंसिल। सिमिलरली सी परचेज 11 दर्जन नोटबुक, 13 दर्जन पेन और 8 दर्जन पेंसिल। तो बेटा इसका मतलब है टू लाइज, जो ए बी सी मैं मेरी मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, ए बी सी वो क्या बन गई, 144, 60, 72, 120, 72, 84, 132, 156 और 96, D, E और F, ठीक है बेटा। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें हमारा पोस्ट दे रखा है, रेट्स ऑफ D, E, F मे बी रिप्रेजेंटेड बाय रेट्स ऑफ D, E, F मे बी रिप्रेजेंटेड बाय देखो पहली कोर्स थी 0.40 पैसा, 1.25 पैसा पेन की, और 0.35 पैसा मेरे पास थी पेंसिल की कोर्स, ठीक है। अब द अमाउंट पेड बाय ईच शॉपकीपर, द अमाउंट पेड बाय ईच शॉपकीपर एबीसी, ईच शॉपकीपर एबीसी आर गिवन बाय द आर गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, आर गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। देखो बेटा ए बी सी 144, 60, 72, 120, 72, 84, 132, 156 और 96 ये कॉस्ट, बी ई एफ 0.40, 1.25, 0.35 पैसा, ठीक है बेटा। अब हमारे को देखो बेटा एक बार ध्यान रखना, जिसको निकालना होता है ना बेटा वो चीज यहां आएगी, जो गिवन वो ऊपर आएगी। हमने ए का बिल निकाला कि ए ने टोटल कितना का बिल पे किया, तो देखो यहां पर क्या करेंगे ए बी सी। अब इसके मल्टीप्लाई के साथ करेंगे बेटा, देखो 144 इंटू 40, ठीक है, 144 इंटू 0.40 प्लस 60 इंटू 1.25 प्लस 72 इंटू 0.35,
120 into 0.40 plus 72 into 1.25 plus 84 into 0.35. 132 into 0.40, 156 into 1.25 plus 96 into 0.35. तो A, B और C. थोड़ा इनकी जो कॉस्ट आएगी ना वो टोटल आएगी, बट देखो 57.60 प्लस 75 और प्लस 25.20 प्लस 25.2 देखो 35 70 0, तो उसके हिसाब से पॉइंट आगे टेल रहा है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके यहां वैल्यू हमारे पास आ गई. सेकंड मल्टीप्लाई आएगी बेटा 48 प्लस देखो यहां से पॉइंट आएंगे 100 लगेगा 25 5 25 और 25 4 जाइए 4 से 18 तो 18 5 जा 90. अच्छा यहां से पॉइंट आए बेटा 100 लग गया फिर से तो इसकी वैल्यू आ गई 29.40. अच्छा इसको पॉइंट है 100 0 से 0 10 2 2 जा 4 2 से 5 तो ये बन गया बेटा मेरे पास 52.80 52.80 प्लस 195 प्लस 33.60 ठीक है. तो ये वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास टोटल जो वैल्यू बन कर आई लाइक 157.60 ठीक है 167.40 और ये वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 281.40 देखो बेटा ठीक है. तो ये चीज का रिक्वायर्ड आंसर इसको ए ने जो बिल पे किया 157.80 रुपीज का पे किया, बी ने जो बिल पे किया 167.40 रुपीज का पे किया और सी ने जो बिल पे किया 281.40 रुपीज का पे किया ठीक है बेटा. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20. कोस्ट हमेशा बेटा कॉलम मैट्रिक्स पर रहेगी ध्यान रखना. अब अपना क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा. थ्री फैमिलीज देखो मैं सिंपल बता रहा हूं बेटा इसमें देर आर थ्री फैमिलीज देखो इसमें कह रहे थ्री फैमिली. फैमिली ए है जो कंसिस्ट करे टू मैन थ्री वुमेन वन चाइल्ड को. फैमिली बी कंसिस्ट करे टू मैन वन वुमेन थ्री चाइल्ड को. और फैमिली सी है फोर मैन टू वुमेन एंड सिक्स चिल्ड्रन. डेली इनकम ऑफ मैन एंड वुमेन आर रूपीज 200 155 एंड चिल्ड्रन नो इनकम यूजिंग मल्टी मल्टी डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली. लेट ए कोमा बी कोमा सी डिनोट्स मैन वुमेन एंड चाइल्ड रिस्पेक्टिवली ठीक है. बट इसमें क्या कर रहे हैं एक फैमिली है ठीक है उसके पास है फैमिली ए सॉरी बटे लेट ए बी सी आर थ्री फैमिलीज आर थ्री फैमिलीज और डी ई एफ डिनोट्स मैन वुमेन एंड चाइल्ड ठीक है. मैन वुमेन एंड चाइल्ड ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा उन्होंने क्या कहा कि देखो तीन फैमिली है ए बी और सी. जो फैमिली ए है ना बेटा उसके अंदर कितने टू मैन थ्री वुमेन थ्री मैन एंड टू वुमेन एंड वन चाइल्ड. फैमिली बी है टू मैन वन वुमेन थ्री चाइल्ड और फैमिली सी है फोर मैन टू वुमेन एंड सिक्स चिल्ड्रन ठीक है. और डेली इनकम जो है बेटा इस फैमिली की डेली इनकम ऑफ फैमिली है वो दे रखी है मैन है वुमेन है 255 डेली इनकम ऑफ मैन कोमा वुमेन एंड चाइल्ड आर रुपीज 200 कोमा रुपीज 155 कोमा रुपीज 0 रिस्पेक्टिवली
बेटा देखो तो ये कॉस्ट होगी हमारे पास, तो इसका मतलब जो फैमिली उसकी 200 रुपीज है और इसकी 155 रुपीज है और इनकी 0 रुपए, ठीक है। तो नाउ टोटल इनकम, नाउ टोटल इनकम ऑफ ईच फैमिली, ईच फैमिली आर, देखो यहां पर लिखते हैं बेटा 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 6 और इस फैमिली की इनकम बेटा 200 रुपीज, 155 रुपीज और 0, ठीक है। तो यहां पर बन गया बेटा मेरे पास देखो 3 × 600 + 310 + 0 + 400 + 155 + 0 + 800 + 2 × 10 + 11 + 2 × 3 + 0। तो बेटा ये मेरे पास आ गई डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली 810 + 400 + 555 + 803 = 1110। तो फैमिली ऑफ ईच फैमिली, इनकम ऑफ ईच फैमिली आर ए, तो इनकम ऑफ फैमिली ए, इनकम ऑफ फैमिली ए इज इक्वल टू रुपीज 810, इनकम ऑफ फैमिली बी इज इक्वल टू रुपीज 555, रुपीज ऑफ फैमिली सी रुपीज 1110। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में नहीं आता है। 22 क्वेश्चन डू योर सेल्फ, अब मैं आपको करा रहा हूं बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 22 का बेटा देखो। इन जनरल असेंबली इलेक्शन ए पॉलिटिकल पार्टी हायर्ड ए पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट कैंडिडेट्स इन 3 वेज, टेलीफोन, हाउस सेल एंड लेटर्स। द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ईच टाइप इन 3 सिटी ए बी सी आर। मैं उसमें क्या 3 पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन के लिए सर्वे कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए टेक्निक बता रहे, उसमें क्या 3 सिटी दे रहे हैं ABC और DF जो डिनोट कर टेलीफोन के द्वारा किसी को हाउस सेल कर डोर टू डोर जाकर या लेटर डालकर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे जो मेरी मैट्रिक्स बनकर आएगी ना वो देखो क्या आएगी, ABC 3 सिटी है DEF। अब जो A है ना उसमें 500, 1000, 500, 500, 1000 एंड 5000, ठीक है। 3000, 1000, 3000, 1000 और 10000, ₹1500 और ₹4000। और जो कोस्ट है हमारे पास कोस्ट ऑफ टेलीफोन से वो कितनी रखी है 0.40 पैसा और इसकी है 1 रुपीज और इसकी है 0.50। और मेरे को निकालना बेटा इसमें यूजी मैट्रिक फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टी इन 3 सिटी ABC रिस्पेक्टिवली, तीनों पार्टियों ने अलग अलग सिटी में कितना अमाउंट स्पेंड किया, कितना खर्चा किया उन्होंने पार्टी ने, ठीक है तीनों सिटीज के अंदर। तो ए सिटी के अंदर जो खर्चा हुआ वो क्या होगा देखो ध्यान से, 500 × 0.40 देखो 500 × 0.40 + 1000 × 1 +
5000 × 0.50 3000 × 0.40 1000 × 1 plus 10000 × 0.50 2000 × 0.40 plus 1500 × 1 plus 4000 × 0.50 total amount paid by total amount total amount spent by party in each city. तो देखो यहां से मैं पॉइंट टाइम हंड्रेड लगा टू जीरो से टू जीरो फोर्टी फाइव हजार टू हंड्रेड प्लस थाउजेंड प्लस बेटा यहां से देखो पॉइंट टाइम हंड्रेड तो दो जीरो पचास से फिफ्टीन टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है तो यहां से बेटा देखो थर्टी ट्वेल्व हंड्रेड हो गया बेटा प्लस वन थाउजेंड प्लस टू हंड्रेड फाइव थाउजेंड हो गया बेटा यहां से मेरे पास पॉइंट फाइव तो टू जीरो यहां से गया बेटा 20 into 0, 20, 20, 4, 80 plus 1500 plus 100, 20, 40, 50, 200, बेटा 2000 रुपीस यहाँ हो गया, total amount कितना हो गया देखो, 3700, 6 और 7 की 200, 38, 4300, तो 3700 Let money invested in first type of bond equal to rupees X. Total rupees invest is equal to 30,000. So let money invested in first type of bond rupees X. Let money invested in second type of bond is equal to 30,000 minus X. So therefore, a row matrix A equal to X or 30,000 minus X. ठीक है. Represent investment and a row matrix A equal to represent ठीक है रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड कॉलम मैट्रिक्स बी इक्वल टू 5 by 100 7 by 100 ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो अब मेरे को टोटल अमाउंट ऑफ
इंटरेस्ट इज गिवन बाय ए बी इक्वल टू 1800। तो बेटा ए की जो वैल्यू आ गई वो आएगी एक्स 30,000 माइनस एक्स 5/100 7/100 इक्वल टू 1800। ठीक है, तो बेटा इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा देखो 5x/100 प्लस 2,10,000 माइनस 7x/100 इक्वल टू 1800। थोड़ा 100 तो मेरा एक्स आएगा तो माइनस 2,10,000 माइनस 2x/100 इक्वल टू 1800। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000। तो 2x इक्वल टू 2,10,000 माइनस 1,80,000। तो 2x इज इक्वल टू 30,000। तो x इज इक्वल टू 15,000 ठीक है। तो इसका मतलब बेटा जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी फर्स्ट बॉन्ड पे कितनी हुई 15,000 और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड पे आल्सो 15,000। तो दैट इंप्लाइज इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल टू 15,000। इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल टू 30,000 माइनस 50,000 इक्वल टू आल्सो 50,000। ये हमारा आंसर। थोड़े इसके साथ ही आपकी 3.3 कंप्लीट हो गई है। बट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा आपको स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफर होते हैं बैठे।